हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। मैं जयंत मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे टू डिजिट्स के बारे में। थ्री डिजिट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगा, फिलहाल टू डिजिट्स के बारे में कैसे निकालें स्क्वायर जल्दी। देखिए पहली बात, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि देखिए 1 से लेकर के 30 तक ये तो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब आप ये मत कमेंट करना या पूछना कि चलिए सर मान लीजिए बताते हैं कि अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स बताई रही है तो शॉर्ट ट्रिक्स वो भी निकाल लेंगे। यार नॉर्मल सी बात है कि निकालने में शॉर्ट ट्रिक कितनी भी शॉर्ट हो, अगर आप ट्रिक लगाओगे तो 5-10 सेकंड तो खाएगी ना, लेकिन अगर आपको मेमोराइज़ है, आपको अच्छे से याद है, तो वो 5-10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है सोचने वाली कि अगर आपको अच्छे से याद है तो 5-10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको डायरेक्टली याद है, डायरेक्ट लिखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो 1 से लेकर 30 तक तो आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 30 तक हो जाएंगे, मुझे भी याद है, देखिए सबको हो जाते हैं। 1 से 30 तक आप याद करिए, आगे उसके हम बात करते हैं, ठीक है, उसके पहले की हम बात ही नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो वही है जो मैट्रिक बताऊँगा उससे आप निकाल सकते हैं, बट वो टाइम किल करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो आप याद कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, वो आप खुद ही घर में कैलकुलेट करके एक जगह लिख लीजिए, याद कर लीजिए। याद है तो बहुत अच्छी बात, शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या टू डिजिट स्क्वायर, ये याद रखिएगा, टू डिजिट का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 4 डिजिट में आता है, ठीक है, हमेशा 4 डिजिट में आएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं, 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना है। हम बात करते हैं सबसे पहले 31 से लेकर के 50 तक जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो 31 से लेकर 50 तक जो नंबर्स हैं, मान लीजिए कोई से भी नंबर लेट कर लेते हैं हम, मान लीजिए कोई सा एक नंबर हमने लेट किया 41, ठीक है, और कोई सा लेट किया 36, एक हमने 48 कर लिया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 50 तक है तो 50 से रिलेशन लाइए, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, 31 से 80 तक की हम बात करेंगे, इसमें रिलेशन 50 से ही निकाला जाएगा, ठीक है, उसके बाद अलग। 50 से रिलेशन निकालिए, मतलब देखिए 41 को हम क्या लिख सकते हैं, या स्टार बना देता हूँ मैं, 41 को लिख सकते हैं हम 50 - 9, ठीक है। एक पे बात करते हैं फिर बाकी आप जल्दी जल्दी, एक मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बाकी खूब स्पीड में करेंगे अपन लोग, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 50 - 9, तो इसका रिजल्ट जो आना है वो हमें पता है कि 4 डिजिट का आना है, ठीक। तो पहले हम इसकी ये 2 डिजिट्स भरेंगे, ये 2 डिजिट्स भरी जाएंगी इससे, ठीक, मतलब इसको हमने लिखा 50 - 9, तो ये होगा हमारा 9 का जो स्क्वायर होगा उस वो आएगा यहाँ क्या 81। लास्ट 2 डिजिट्स तो डिक्लेयर हो गई, ठीक है। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है, ये चलिए मैं बताना चाहूँगा, अच्छा आ गया, क्या यूनिट डिजिट चेक करना सिंप्लीफिकेशन में, जैसा अभी हम लोग चल रहे हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस वजह से नहीं बताया। क्या कि शॉर्ट मेथड एक ये भी होता है कि बाय चांस कोई लंबा क्वेश्चन दिया, उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यूनिट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। हालांकि अब SSC इस टाइम पे जो सीजल का नया अभी 2018 का प्री हुआ, CPO का प्री हुआ मार्च में, तो उनकी हम बात करें तो उसमें SSC ने चेंजमेंट लाए हैं, अब वो यूनिट डिजिट अलग अलग देती, सेम देती है, पहले अलग अलग देती तो ईजी होता था। मतलब क्या होता है देखिए, जैसे एक का आंसर आ रहा है हमारा 46249, 46248, 46246, 46242, मान लीजिए ये 4 ऑप्शंस दिए गए और हमने यहाँ से ये सॉल्व किया, ऐसे ही कोई क्वेश्चन था, उसका यूनिट डिजिट हमें 1 मिल गया, जैसे यहाँ पे अगर 8 मिल जाता तो आगे का तो मैं सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, यार 8 मिल गया, इसको टिक करो, ख़त्म करो, ठीक है ना, ये होता है यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। लेकिन अब SSC भी होशियार हो गया यार, हम लोगों के तरीके वो भी मेहनत करता है अपने ऊपर, ठीक है ना, तो अब इतने ईजी नहीं आते, यूनिट डिजिट सारे सेम आ जाते हैं, 4444, क्या करोगे आप, तो सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, फिलहाल इस पे बात करते हैं। 41 को लिख सकते हैं 50 - 9, तो 9 का जो स्क्वायर होगा 81, वो तो ये 2 डिजिट्स पूरी करेगा, ठीक है। ये 2 डिजिट्स कहाँ से आएंगी, इन पे काम करना है, ठीक है। तो एक नंबर रट्टा मार लीजिए 25, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 31 से लेके 80 तक के लिए, 31 से
80 तक के बीच कोई भी नंबर होगा उसके स्क्वायर के लिए एक नंबर रट्टा मारिए 25, उसको लिखिए यहाँ पर, ठीक 25। यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे भी 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा 16। ये हमारी ये दो डिजिट्स होंगे, खत्म। 41 का स्क्वायर करके देखिए 1681 आ रहा होगा। समझ में आया नहीं आया, नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। और ब्रीफली क्या कि 36 को 50 के रिलेशन में क्या लिखेंगे, 50 माइनस 14 लिख सकते हैं। हमें पता है कि रिजल्टेंट हमारा 4 डिजिट्स का आएगा, ठीक है। ये दो डिजिट्स हमें फिलअप करनी है सबसे पहले, तो ठीक, तो ये दो डिजिट्स हमने पढ़ा था, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 14 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है 196, ये याद करने पड़ेंगे 1 to 30 आपको। तो 196 मतलब 9 और 6 तो इधर आ गया, क्योंकि 1 इधर नहीं आ सकता, केवल दो डिजिट आएंगे। तो जो 1 गया वो कहाँ गया, ये जो 1 यहाँ बचा ये आया हमारा कैरी में, इसको हमने हासिल ले लिया, ठीक है। अब नंबर रट्टा मार लीजिए 25, ये दो डिजिट्स के लिए क्या 25, यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा 14, इसमें भी 14 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस इधर कैरी नहीं था, कैरी को हमें ऐड करना होता है। पढ़ा होगा आपने एडिशन में यार, ये तो इतना ही पता है कि हासिल जो आता है उसको ऐड ही तो करते हैं। यहाँ कितना कैरी है 1, इसको इसमें ऐड कीजिए, कितना आएगा 25 माइनस 14, बचा 11 प्लस 1 12, तो 1296 इसका आंसर। क्लियर, अब समझ में आ रहा होगा आपको। इस पे आते हैं और अच्छे समझ में आएगा, क्या इसको लिख सकते हैं हम 50 माइनस 2, हमें पता है आंसर 4 डिजिट्स में आएगा, 2 का स्क्वायर हमें ये दो डिजिट्स देगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये यहाँ कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे 0, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है 04। अब फिर से रट्टा मार लीजिए 25, यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, यहाँ भी कर दीजिए कितना 23, ये दो डिजिट्स मिल गई, खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखता हूँ उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बहुत अच्छे से। 44, 32, 37, 43, ठीक है, ये 4 डिजिट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें क्या हैं। तो 31 से 50 तक तो हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 51 से 80 के लिए, ये नंबर नोट कर लीजिएगा आप, इनके घर में प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेथड कई सारे हैं, अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बट ये मुझे बेस्टेस्ट लगी, क्योंकि ये याद रहने के जल्दी याद होती है, प्लस लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ट्रिक्स हम बोलते बहुत जल्दी, ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। अब बात करते हैं हम 51 से 80 तक के लिए, ठीक है। तो देखिए 51 से 80 तक की बात करें तो नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे फिर से, क्या नंबर मान लीजिए कोई सा, पहला नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 67, ठीक, तो इस पे बात करते हैं 67, या तो लिख ही लेते हैं नंबर, एक नंबर 76 ले लेते हैं, दो पे ही समझ में आ जाएगा आपको अब ये, ठीक है। 50 के रिलेशन में इसमें भी इसको भी रखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 17, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसका भी हमें पता है वही फिर से 4 डिजिट आएगा, ये दो डिजिट इसका स्क्वायर फिलअप करेगा, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ये याद करना पड़ेगा, तो 89 तो आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा हमारा जैसा अभी हमने बात की कैरी, ठीक। अब फिर से रट्टा क्या मारा था हमने 31 से 80 के लिए, क्या नंबर रट्टा मारा था 25, वहाँ माइनस हो रहे थे, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, 17 ऐड किया, कैरी हमेशा ऐड ही होता है, तो कितना हो गया 7 5 12 2 14 44, आंसर यही होगा, चेक कर लीजिए आप कैलकुलेटर में, ठीक। 76 पे आते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 26, रिजल्टेंट हमारा 4 डिजिट का आएगा, ये दो डिजिट्स इसका स्क्वायर भरेगा, 26 का स्क्वायर होता है 676, इधर आ गया 6, हमारा हो गया कैरी। रट्टा क्या मारा था हमने 25, यहाँ कितना ऐड हो रहा है 26, कैरी कितना है 6,
कितना आ गया, 6 6 12 5 17 2 2 4 1 5 57 76। क्लियर। यहाँ पर भी मैं कुछ नंबर्स देता हूँ, उनके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या नंबर पहला है 58 63 71 79। ठीक है, ये चार नंबर्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 80 से 99। ठीक है, टू डिजिट्स का है ये, मैंने देखिए पहले ही बताया था, थ्री डिजिट के लिए अलग मेथड है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक मैं उसका भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी आते हैं फ्रॉम 81 to 100 या 99 100 का तो ईजिली आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, इसका नंबर मान लीजिए कोई सा लिख लेते हैं हम, इसका भी 82, एक में ही समझ में आ जाएगा ये क्या है। 82 को क्या लिख सकते हैं, अब 100 से रिलेशन लेंगे, ध्यान रखिएगा 31 से 80 तक 50 से लेते हैं, उसके बाद 100 से। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 - 18 लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। इसका भी हमें पता है क्या कि 4 डिजिट आएगा आंसर, पुराने वाले की तरह ये 2 डिजिट्स इसका स्क्वायर फिलअप करेगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 ये आ गया, 3 हमारा क्या हो गया, कैरी। क्लियर, 3 हमारा कैरी हो गया। आगे क्या करना है देखिए, अब नंबर लेते हैं यहाँ से, अब अभी तक क्या था, 31 से 80 तक हम 25 का रट्टा मारे थे, अब 25 नहीं काम आएगा, अब जो नंबर है, नंबर हमारा क्या था 82, यहाँ 18 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, कैरी को हमेशा ऐड करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, कितना 82 प्लस 3 हो गया 85 में गया 18, तो 85 70 67 आंसर हमारा। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया एक और करते हैं कोई सा। ये था 82, मान लीजिए हमने नंबर लिया कोई सा भी ले लीजिए 89। ठीक है, 89 को हम क्या लिख सकते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, 100 - 11। ठीक है, रिजल्ट हमें पता है कि 4 डिजिट आएगा, ठीक है 4 डिजिट आएगा, ये 2 डिजिट्स हमारी इसके स्क्वायर से फिलअप होंगी, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 तो इधर आ गया, 1 को हम कर लेंगे कैरी। ठीक है, अब ये 2 डिजिट्स जो नंबर था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 31 से 80 तक 25 का रट्टा मारना है बस, उसके बाद जो नंबर है 89 उसी को लिखेंगे, यहाँ 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है प्लस 1 कैरी है, तो यहाँ आ जाएगा 79, ये ख़त्म, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नंबर्स देता हूँ, 86 92 96 87। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर यहीं पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी कल से हम फिर से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, सारी चीज़ें बेसिक हो चुकी हैं। अगर बाय चांस कोई टॉपिक बचा होगा या कोई शॉर्ट ट्रिक बची होगी तो वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा बीच में, वरना मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी देखिए मेहनत में हम भी कर रहे हैं, सारे जितने भी हम सर लगे हुए हैं, शुभम सर हों चाहे अभिनव सर हों, ठीक है, बदले में उम्मीद रखते हैं कि आपका भी सपोर्ट मिलेगा, तो वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हमें भी मोटिवेशन मिले यार कि नहीं यहाँ कर रहे हैं कुछ, मज़ा तो आए, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एग्जाम स्टडी। थैंक यू।